नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय परिसर अध्ययन भाग एक के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक 8 है अमूल्य भोजन। तो अमूल्य भोजन इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो आइए हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं, उसका लेखन और वाचन। तो स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं, पाठ क्रमांक है 8। देखिए पाठ क्रमांक 8 है अमूल्य भोजन। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, देखिए हमारे घर तक पहाड़ी आंवले कहाँ से आते हैं। उत्तर है देखिए, हमारे घर तक पहाड़ी आंवले वनों या जंगलों से आते हैं। प्रश्न दूसरा इसके अंतर्गत देखिए इस तरह से है, आ थोड़ा सोचो। तो इसके अंतर्गत देखिए पहला प्रश्न है, सागर के पानी से नमक बनाया जाता है, नमक बनाने वाले स्थान को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है बच्चों, जहाँ सागर के पानी से नमक बनाया जाता है उस स्थान को नमकसार कहते हैं। प्रश्न दूसरा है देखिए, आलू जमीन के अंदर तैयार होता है, इसी प्रकार क्या और खाद्य पदार्थ जमीन के अंदर तैयार होते हैं। तो इसका उत्तर है देखिए, आलू की तरह जमीन के अंदर पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ जैसे देखिए सूरन है, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, मुरई, अदरक, हल्दी, अरुई, प्याज, लहसुन, कंदमूल, कंद है, मूंगफली इत्यादि पदार्थ जो है ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। और प्रश्न तीसरा है, कुठला या बड़ा टोकरा का क्या अर्थ है, किसानों के लिए इसका क्या उपयोग है। उत्तर है देखिए, कुठला का अर्थ है मिट्टी का बड़ा बर्तन, इसका उपयोग अनाज भंडारण में होता है और इस कुठला को डेहरी भी कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न चौथा है, किसान हल का हल के फाल नामक इस औजार का उपयोग किस लिए करते हैं। तो उत्तर है, किसान हल के फाल का उपयोग खेतों की जुताई में करते हैं जो लकड़ी के हल में लगा रहता है। प्रश्न पांचवा है इसके अंतर्गत, देखिए नींबू का शरबत बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये पदार्थ हमारे घर तक कहाँ से आते हैं। तो इसका उत्तर है देखिए, नींबू का शरबत बनाने के लिए पानी, नींबू, नमक, शक्कर इत्यादि पदार्थों की आवश्यकता होती है। गांव की पानी की टंकी से पानी मिलता है और खेत से नींबू मिलता है, समुद्र के पानी से नमक सार से नमक बनता है, वहां से नमक मिलता है, खेत के गन्ने से कारखाने में शक्कर बनती है, वहाँ से शक्कर मिलती है। अब देखिए प्रश्न तीसरा ई है, नीचे दी गई तालिका को क्या करना है, पूर्ण करना है। तो जिस तरह से यहाँ दिया गया है बाजरा, अब बाजरा का यहाँ दिया गया है भुट्टा,
तो ज्वार का क्या होगा, ये हमें यहाँ क्या करना है, लिखना है कि ज्वार का क्या होगा। तो जब बाजरा का भुट्टा होता है तो ज्वार का भी क्या होगा, भुट्टा होगा। इसी तरह से गेहूं का क्या होगा, गेहूं का बाल होगा, ये हम बाल लिख दे रहे हैं। और धान की भी बाली बोलते हैं, उसकी भी बाल होती है। और देखिए मूंगफली का क्या होता है, मूंगफली को फली बोलते हैं, इसकी मूंगफली की जो होती है उसे फली बोलते हैं। तो इस तरह से बाजरा का भुट्टा हो गया, ज्वार का भी भुट्टा, गेहूं की बाल, धान की बाल, मूंगफली की फली हो गई। अब आगे देखते हैं, प्रश्न तीसरा है, इसके अंतर्गत देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की हमें क्या करना है, पूर्ति करना है। तो प्रश्न ई है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसके अंतर्गत देखिए, पहला है जमीन की रिक्त स्थान यहाँ होने पर बुवाई की जाती है। तो यहाँ जो है जमीन की योग्य स्थिति लिखेंगे हम, यहाँ रिक्त स्थान में योग्य स्थिति, इस रिक्त स्थान में योग स्थित भरा जाएगा। तो इसका वाचन हम करेंगे, इसके नीचे हम इस तरह से दो लाइन खींच देंगे तो ये पता चलेगा कि ये भरा गया है। तो जमीन की योग स्थिति होने पर बुवाई की जाती है। दूसरा है रिक्त स्थान, देखिए भुट्टो में से बाजरे के दाने अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये रिक्त स्थान में भरना है। तो भुट्टो में से बाजरे के दाने अलग करने की क्रिया को मड़ाई कहते हैं, मड़ाई इसे कहते हैं। इस तरह से इसे रिक्त स्थान हम भर देंगे, मड़ाई हो जाएगा। इसका वाचन हम करेंगे, भुट्टो में से बाजरे के दाने अलग करने की क्रिया को मड़ाई कहते हैं। तो प्रश्न तीसरा है रिक्त स्थान के अंतर्गत, देखिए हवा के हल्के उड़कर दूर चले जाते हैं, इसके अंतर्गत छिलके भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, छिलके। इस तरह से हमने छिलके भर दिया तो ये रिक्त स्थान हमारा पूरा हो गया। नीचे दो लाइन, हवा के हल्के छिलके उड़कर दूर चले जाते हैं, हवा से हल्के छिलके उड़कर दूर चले जाते हैं, यहाँ छिलके शब्द रहेगा। प्रश्न चौथा है, कुछ लोग बेर करौंदे जैसे रिक्त स्थान जंगल से एकत्र करके बेचते हैं। तो ये बेर और करौंदे जो हैं ये फल है, तो यहाँ जो है फल शब्द आएगा। इस तरह से लाइन खींच देंगे तो कुछ लोग बेर करवंदे जैसे फल जंगल से एकत्र करके बेचते हैं। पांचवा रिक्त स्थान है, देखिए अनाज के उत्पादन में तथा जगह जगह ले जाने में यंत्र तथा वाहनों का उपयोग होता है, इसे चलाने के लिए रिक्त स्थान पर खर्च होता है। और यहाँ जो है इसे चलाने के लिए क्या खर्च होता है, इसे चलाने के लिए ईंधन खर्च होता है, ईंधन खर्च होता है या पैसा भी खर्च होता है। तो अनाज के उत्पादन में तथा जगह जगह ले जाने में यंत्र तथा वाहनों का उपयोग होता है, इसे चलाने के लिए ईंधन खर्च होता है, ईंधन शब्द रिक्त स्थान रहेगा। और प्रश्न उ में है, देखिए संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, पिताजी भूमि की जुताई कैसे करते हैं। उत्तर देखिए, पिताजी भूमि की जुताई ट्रैक्टर के हल से करते हैं।
प्रश्न दूसरा है, पूरे देश में अनाज कैसे पहुंचता है? उत्तर देखिए, पूरे देश में अनाज परिवहन के साधनों द्वारा पहुंचाया जाता है। अनाज पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रक, टेम्पो, मालगाड़ी आदि साधनों का उपयोग किया जाता है। और तीसरा प्रश्न है इसके अंतर्गत, देखिए, भोजन थाली में लेकर उसे बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए? उत्तर है, देखिए, खेत की तैयारी से लेकर खाद्य पदार्थ बनाने तक के कामों में कई लोग परिश्रम करते हैं। किसान, मजदूर, वाहन चालक, व्यापारी, दुकानदार, घर के लोग आदि व्यक्ति जमीन की तैयारी से लेकर खाद्य पदार्थ तैयार होने तक अनेक प्रकार के कार्य परिश्रम से करते हैं, इसलिए भोजन थाली में लेकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रश्न चौथा है, देखिए, इसके अंतर्गत, घर में अनाज लाने के बाद भाकरी या रोटी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? उत्तर है, देखिए, घर में अनाज लाने के बाद भाकरी या रोटी बनाने के लिए अनाज बीनना, साफ़ करना, अनाज पीसकर आटा बनाना, आटा गूथना, आटा से भाकरी या रोटी बनाना, इसको पोना भी कहते हैं, आटा पोना, तथा सेंकना या तलना जैसे काम करने पड़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, देखिए, उचित जोड़िया मिलाओ समूह आ और समूह वा। आ में देखिए, नमक है, गन्ना है, कमल गट्टा है, बेर है, फल है। और वा में देखिए, सादे पानी का तालाब है, सागर है, फलोद्यान बागान है, खेत है, जंगल है। तो इसमें हमें क्या करना है, जोड़ियाँ मिलाना है। तो देखिए, नमक का क्या होगा, नमक ये जो है सागर के पानी से मिलता है, तो नमक का जोड़ी मिलाओ सागर हो जाएगा। गन्ना जो है कहाँ प्राप्त होता है, गन्ना ये खेत में होता है, तो गन्ना का खेत हो जाएगा। कमल गट्टा जो है, ये कमल गट्टा बच्चों ये सादे पानी के तालाब में होता है, तो कमल गट्टा का हो जाएगा, सादे पानी का तालाब। बेर जो है ये वन या जंगल में मिलती है, तो बेर का हो जाएगा जंगल। और साग सब्जी जो है, साग सब्जी अर्थात बागान में मिलती है, खेत में मिलती है, फलोद्यान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जोड़े मिला दिया, नमक का जोड़े मिलाओ सागर, गन्ना खेत, कमलगट्टा सादे पानी का तालाब, बेर जंगल, साग सब्जी फलोद्यान या बागान। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से अमूल्य भोजन, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर का वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सभी को।